हेलो फ्रेंड्स, उर्वशीज किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोलकाता के स्ट्रीट फूड झाल मुरी, इसकी रेसिपी। और ये झाल मुरी जो है, ये बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट हमको चाहिए ये मुरमुरे हैं। एक बाउल मुरमुरे लेने हैं हमें, काला चना, सेव की जगह आप मिक्स जो चिवड़ा आता है वो भी ले सकते हो। और दूसरे इंग्रेडिएंट्स में टमाटर 2 चम्मच, अनारकत दाना, मकाई बॉइल्ड की हुई मकाई लेनी है, हरी मिर्च 1 चम्मच, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच उबले हुए आलू बारीक कटे हुए, 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच हमें ककड़ी लेनी है। और ये पीनट्स है, जो सॉल्टेड पीनट्स आते हैं वो, हरा धनिया, लेमन जूस, लाल मिर्च, सॉल्ट, काला नमक, ये है चाट मसाला और भुना जीरा पाउडर। इसके अलावा और एक इंग्रेडिएंट है जो मैं आपके बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो कंटिन्यू करना होगा। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसको बनाने के लिए। तो इसके लिए स्टार्ट हम करेंगे। सबसे पहले ये मसाले जो है ये सारे हम एक साथ मिक्स कर देंगे। ये सब मसाले मैंने 3/4 टीस्पून के माप से दिया है। ये सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं अच्छी तरह से। अब हमें करना है ये काम कि टमाटर, अनारदाना थोड़ा सा, और ये ककड़ी, आलू, प्याज, हरा धनिया और कॉर्न के दाने, सब हमें ये एक ही बाउल में सब ले लेना है। और लेने के बाद हमें ये मसाला जो रेडी किया था वो डाल देना है और ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, इसके बाद हम डालेंगे ये खारी सिंह। इसके अगर खारी सिंह नहीं डालनी तो आप जो मसाला वाली सिंह होती है वो भी डाल सकते हो। ये चना, और अब हम डालेंगे इसमें ये मुरमुरे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये सेव डाल देंगे। 2 चम्मच जितनी सेव डालनी है, हरा धनिया डालेंगे, और ये रहा हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये है अचार का जो तेल आता है, सरसों के तेल में बना हुआ अचार होना चाहिए। तो अगर आपके पास सरसों के तेल का बना हुआ अचार नहीं है तो डायरेक्टली आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो। तो ये तेल हमें 2 चम्मच डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमें इसमें लेमन जूस डाल देना है। तो ये देखिए हमारी झालमुरी रेडी हो गई है। तो जबकि ये स्ट्रीट फूड है तो स्ट्रीट फूड को उसी के हिसाब से आज हम सर्व करेंगे। तो पेपर में इस तरह से कोन बना के हमें ये भर देना है। तो ये देखिए हमारी झालमुरी रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट जरूर करना,
और अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।